For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Well, Super 30 धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हर दिन ग्रो कर रही है. जिस तरीके से इसके वीकेंड कलेक्शंस मैंने आपको बताए थे कि ना कहीं 50 करोड़ के क्लब में ऑलरेडी फिल्म एंटर कर चुकी थी, लेकिन अब इस फिल्म का मैं वीकडे कलेक्शन लेकर आ गई हूँ. चलिए बात करते हैं. सबसे पहले जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, ऑफकोर्स फिल्म ने फ्राइडे के दिन 11.83 करोड़ का बिजनेस किया. उसके बाद सैटरडे को फिल्म ने एक सॉलिड जंप मारते हुए 18.19 करोड़ का बिजनेस किया. सीधा संडे आता है और एक बिग जंप लेती है फिल्म, यानी कि 20 करोड़, जी हाँ 20.74 करोड़ का बिजनेस करती है फिल्म, जो कि धमाकेदार था. हर कोई हैरान हो गया था, और क्योंकि सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बल्कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी ये फिल्म बहुत अच्छा काम कर रही है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, मंडे क्योंकि वीकडे था, 40-50% गिरावट आई थी व्यूअरशिप में, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने 6.92 करोड़ का बिजनेस किया. यस, उसके बाद आता है ट्यूजडे, जहां पर फिल्म ने 6.39 करोड़ का बिजनेस किया. और इन सभी आंकड़ों को मिलाने के बाद ये फिल्म पहुंच गई है सीधा 64 करोड़ के आसपास. जी हाँ, यानी कि इस फिल्म ने अभी तक 64 करोड़ हासिल कर लिए हैं महज सिर्फ 5 दिनों में. अपने रिलीज के 5 ही दिनों में ऋतिक रोशन स्टार और फिल्म जो है वो 64 करोड़ तक एंटर कर चुकी है. रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, बायोपिक है आनंद कुमार की, मैथमेटिशियन की, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है ये. जिस तरीके से उन्होंने 30 बच्चों को IIT में एक साथ एडमिशन दिलवाया, किस तरीके से उनके पढ़ाने का तरीका था, कितना स्ट्रगल था, क्या था, ये सारी स्टोरी दर्शाती हुई ये एक फिल्म है. डेफिनेटली जाइए, जरूर देखिए, मास्टरपीस है थ्रू विकास बहल, एंड डेफिनेटली हर स्टूडेंट को जाकर जरूर देखना चाहिए और हर माता पिता को भी देखना चाहिए. सो और क्या क्या जानना चाहते हो सुपर 30 के बारे में, वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल मूवीज अड्डा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.